रांची की धूमधाम से भरी गलियों में एक नई कहानी की शुरुआत हो रही थी। यह कहानी वहाँ के अनसुने किस्से, अनजान मुलाकातें और निराशाओं की आकांक्षाओं का सफर है। हमारे मित्र एक परीक्षा के लिए रांची आए थे और हमें अभी अपने घर जाना था। हमने प्लान बनाया और सुनिश्चित किया हम घर रांची इंटरसिटी से जाएंगे। एक घंटे होने के बावजूद भी ट्रैफिक ने हमारे प्लान को तहस नहस कर दिया। हम सामने से ट्रेन को निहार रहे थे और अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रहे थे और इतने में ही घड़ी की सुई ने अपनी कांटा बदला और समय हो गए थे दोपहर के 1:20। हरी झंडी दिखाते ट्रेन हॉर्न देते प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली थी, इतने में हमारे मित्र का फोन आया। हमने कहा भागो, वो भागा और हम चंद सेकंड के लिए चुप गए। ठंडी पानी खरीदी, पिया, मूड शांत किया और अगले 4 घंटे के लिए एक दूसरे का सर खपाते हमने बिता लिए थे 4 घंटे। दोबारा ट्रेन की हॉर्न ने हमारे में जान भर दी। बिना टिकट सफर करना अच्छी बात तो नहीं, पर हमने बिना टिकट सफर किया। धक्का मुक्की करते हमने अपना सीट ऊपर बना ली और टिका के बैठ गए अगले 8 घंटे के लिए, क्योंकि पाँव रखे कहाँ, इतनी भी जगह नहीं थी। जसीडी पहुंचते ही हमने खुली सांस ली, भूख लग चुकी थी और ऑटो भी खुलने वाली थी। भूख को किया बाय, टोटो को किया हाय। दुर्गावाड़ी से घर पदयात्रा करते हम जा रहे थे और इसी बीच मिले हमें 50 रुपए। 20-30 रुपए करके हमने आपस में बांट लिए और घर जाके खाए फौरनी चूड़ा। आप बताए आपके यहाँ इस डिश को क्या कहते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए।